नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पे एक टूल है जो कि शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और कुछ इन्फिनिक्स का मॉडल एड है इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे आज बस यही टूल का वीडियो लेकर के आया हूँ कि मान लीजिए इसे हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से रन करेंगे, किस तरह से हम इसको फॉर्मेटिंग या अनलॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए और देखिए दोस्तों हम इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो करना क्या होगा, यहाँ पर जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप इस टूल को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सामने में मेरा टूल पड़ा हुआ है, यही है। फिलहाल तो एक्सट्रैक्ट नहीं किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है टूल को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड होके रखा हुआ है। तो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर टूल को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लेगा टूल एक्सट्रैक्ट होने में, एक्सट्रैक्टिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा टूल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको हम अब कर लेते हैं यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन, और एक बार फिर से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए बहुत बार जो है बहुत सारे पीसी के अंदर में एंटीवायरस होता है, जिसके कारण जो है इस फाइल को करप्ट कर दिया जाता है। तो करप्ट ना हो इसलिए यहाँ पर जो है कई सारे फोल्डर बना करके फाइल को एचिप विनरार बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि फिर से हम एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। फिलहाल तो ये तीसरा बार है दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फाइल जो है मेरा एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जो है इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या तो डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए आप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इससे पहले जो है आप यदि अपने पीसी के अंदर एंटीवायरस डाले हुए हैं, तो एंटीवायरस को यहाँ से आप डिसेबल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि मान लीजिए आपका जो एंटीवायरस है यदि इनेबल रहेगा, तो हो सकता है कि ये फाइल जो है करप्ट हो जाए। तो इसलिए दोस्तों आप डिसेबल कर लीजिए यहाँ से। चलिए हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, यस कर लेना है आपको। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये है लोगो आया है, और यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, नॉर्मली है। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है फाइल जो सॉरी यहाँ पे जो ये एंटीवायरस जो मेरा था वो डिसेबल नहीं था, इनेबल था, जिसके कारण हम इससे पहले ही आपको बता दिए थे कि यदि मान लीजिए एंटीवायरस आपका इनेबल रहेगा, तो यहाँ पे जो है इंस्टॉलिंग में परेशानी हो सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ऑफ़ कर लिए हैं, अब फिर से हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे यस कर लेना है बस, नॉर्मली सा दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है फाइनली जो ये सेटअप है मेरा कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम यहाँ से फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का आइकॉन बन के आ जाएगा, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, यस करना है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा समय लेगा आपके ओपन कम्प्लीट होने में, 1 से 2 मिनट ले सकता है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको इंतजार तो करना ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है फाइनली देख सकते हैं ये टूल जो है कंप्लीट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है ये देखने में कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों, ये तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में जाने के बाद हमें अनलॉक फॉर्मेट मैनुअल मिल रहा है, अनलॉक बाय ब्रांड मिल रहा है, फ्लैशिंग मिल रहा है।
तो दोस्तों हम सबसे पहले अनलॉक फॉर्मेट मैनुअल में जाते हैं। तो मैनुअल में जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, जो कि मैनुअल हमें एडीबी में हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैनुअल में ना जा के यहाँ पे हम चलते हैं अनलॉक बाय ब्रांड पे। तो अनलॉक बाय ब्रांड पे जाने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को कुछ इस तरह से मिल जाएगा, जैसे कि ये ब्रांड है तो ब्रांड में सोमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो, इन्फिनिक्स और कुछ टेक्नो का फोन ऐड है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेते हैं, जैसे कि चलिए टेक्नो से ही स्टार्ट करते हैं। तो टेक्नो का जो है मॉडल कुछ यहाँ पे हमें देखने को N1 Pro और KC1J और टेक्नो का KE6 करके कुछ मॉडल हमें देखने, ज़्यादा तो नहीं दिखा है दोस्तों, बट कुछ मॉडल हमें इसमें देखने को मिला है। उसके बाद जो है दोस्तों हम चलते हैं जैसे कि इन्फिनिक्स में, तो इन्फिनिक्स में भी हमें कुछ मॉडल यहाँ पे जैसे कि इन्फिनिक्स हॉट 8, हॉट 9, हॉट 10 दो तरह का है यहाँ पे। उसके बाद हॉट एस, बहुत सारे इसमें भी हमें मॉडल देखने को, बहुत सारे तो नहीं, यहाँ पे 10-12 मॉडल देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है दोस्तों वीवो में चलते हैं, तो वीवो में भी हमें कुछ अपडेटेड मॉडल देखने को मिल रहा है, जैसे कि वीवो V11, V31i, Y12, Y15s, Y17, Y19। तो दोस्तों ये सब मॉडल जो है Y30 तक यहाँ पे दिए हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो है जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे वीवो का कोई Y12 मॉडल सेलेक्ट किए हैं, Y12 मॉडल सेलेक्ट करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हम, तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको करना क्या होगा, फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले ऑथ बाईपास करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे पास तो कोई फ़ोन अभी है नहीं, बट अगले वीडियो में कोशिश करूँगा मेरे पास कोई फ़ोन अनलॉकिंग के लिए या फ्लैशिंग के लिए आता है तो इस टूल से जो है अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करके दिखाएँ, मेरा ये फ़र्ज बनता है। क्योंकि मान लीजिए ये टूल हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं तो यहाँ पर तो इसका आगे का वीडियो ज़रूर हम बताएंगे दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए जैसे हम ओप्पो का कोई मॉडल सेलेक्ट किए, तो ओप्पो का जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम ओप्पो का A15 ही मान लीजिए हम सेलेक्ट किए, उसके बाद जो है दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ऑथ बाईपास करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मेरे पास जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है पावर ऑफ फोन, होल्ड बूट की एंड कनेक्ट USB। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ओप्पो का A15 है तो इसमें जो है बूट की वॉल्यूम माइनस प्लस को दबा करके कनेक्ट करना है, तो ऑथ बाईपास यहाँ पे हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन जो है बाईपास यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा देगा। उसके बाद जो है दोस्तों नॉर्मली आपको यहाँ से फॉर्मेट कर लेना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से ये फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे जैसे कि यहाँ तो मॉडल आप देख ही लीजिए कि क्या क्या मॉडल दिए हुआ है, ओप्पो A5s के बाद A9, A12, A15, A31, A71, बहुत सारे मॉडल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये फ्री टूल है, यदि इतना मॉडल दिए हुआ है यदि हो जाता है तो ये भी बहुत है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो है हो जाता है, यदि मान लीजिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि ड्राइवर का इशू आता है जिसके कारण फ़ोन जो है अनलॉकिंग नहीं हो पाता है, वरना जो है सभी टूल से होता है दोस्तों। मान लीजिए ये टूल तो छोड़िए, आप नॉर्मली SP फ्लैश टूल के जरिए भी बहुत सारे फ़ोन को अनलॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको मान लीजिए कोई फ्री में कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा तो परेशानी आपको झेलना ही होगा। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप कोई फ़ोन का बाईपास करते हैं और नॉर्मली ऑनलाइन किसी बंदे से आप अनलॉक करवा लेते हैं, तो ऑनलाइन में क्या होता है दोस्तों नॉर्मली ये अनलॉक हो जाता है, लेकिन बाईपास करने में थोड़ा सा सर दर्द होता है, बस सेम बात है दोस्तों यहाँ भी। तो यहाँ पे आप देख लिए हैं फ्लैशिंग के लिए, तो दोस्तों आप यहाँ से जैसे कि फ्लैशिंग कर सकते हैं, चिपसेट यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह का दिए हुआ है, यहाँ पर आप सेक्टर फाइल और करके यहाँ पे फ्लैशिंग कर सकते हैं। जैसे कि सोमी में चलते हैं तो सोमी में भी हमें बहुत सारे मॉडल देखने को मिल रहा है, जैसे Redmi 6A, Redmi 9, 9A, तो ये सब मॉडल जो है हमें रेडमी में ही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप देख ही चुके हैं कि क्या क्या मॉडल जो है देखने को मिला है। तो एक बार जो है इस टूल को आप लोग डाउनलोड करके और ट्राई कीजिए, यूज करने का कोशिश कीजिए दोस्तों। बट मेरे पास यदि कोई फ़ोन जल्द ही आता है तो हम जल्द ही इस पर जो है वीडियो बना लेंगे और आप लोगों के साथ दोस्तों ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो को कि मान लीजिए हम इसका कैसे जो है अनलॉकिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो वैसे हम बता ही चुके हैं कि सबसे पहले किसी भी फ़ोन का अनलॉकिंग करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम मॉडल सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद ऑथेंटिकेशन जो है बाईपास करना होता है, इस पर क्लिक करके और वॉल्यूम माइनस प्लस बटन दबा के जो भी बूट की होता है वो दबा करके फ़ोन को कनेक्ट करना होता है, और उसके बाद जो है फॉर्मेट अनलॉक पे क्लिक कर देना है। तो नॉर्मली यहाँ पे यूजर डाटा आपका फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद जो है FRP के लिए तो आप भी जानते हैं दोस्तों किस तरह से हमें FRP करना है, कुछ कोड होता है *H812H करके भी है, *H813H करके भी है, तो उस कोड के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था बस यही था, उम्मीद करता हूँ
आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।